तो आज की वीडियो में स्टार्ट करेंगे 4 पॉइंट स्टार्टर, जो हमारे डीसी मोटर को चलाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगर डीसी मोटर को हम चलाने के लिए 4 पॉइंट स्टार्टर का यूज़ कर रहे हैं, तो इससे पहले हमने कौन से स्टार्टर यूज किए थे? 2 पॉइंट और 3 पॉइंट। जब हमारे पास 2 पॉइंट और 3 पॉइंट स्टार्टर थे, तो हमने 4 पॉइंट स्टार्टर यहाँ पर क्यों बनाया? सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है, तो इस चीज़ को हम समझते हैं। अभी पहले देखते हैं कि 4 पॉइंट स्टार्टर को हम क्यों यूज़ करते हैं और कौन सी मोटर में इसको यूज़ करते हैं। तो 4 पॉइंट स्टार्टर का हम यूज डीसी शंट मोटर और कंपाउंड मोटर दोनों मोटर को हम इसको यूज कर सकते हैं चलाने के लिए। डीसी शंट मोटर जो हमारी होती है उसको भी हम 4 पॉइंट स्टार्टर से चला सकते हैं, और जो हमारी कंपाउंड मोटर होती है उसको भी हम 4 पॉइंट स्टार्टर से चला सकते हैं। तो यहाँ पर हमने ये 4 पॉइंट स्टार्टर रखा है। 4 पॉइंट स्टार्टर की पहचान क्या होती है? इसके 4 पॉइंट निकले हुए होते हैं जो स्टार्टर में हमको दिखाया गया है। तो इन स्टार्टरों का प्रयोग हम मोटरों में इसलिए करते हैं क्योंकि सबसे पहले देखो जो उनका क्या है, गति परिवर्तन वहां पर क्या होता है हमारा, अधिक होता है, यानी कि जो हमारी स्पीड है कभी ज़्यादा कभी कम होती है, इसलिए हमें स्टार्टर की आवश्यकता पड़ती है। और दूसरा सबसे मेन पॉइंट ये होता है कि जो हमारी ये मोटरें होती है स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा करंट लेती है, तो स्टार्टिंग करंट को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, स्टार्टरों का प्रयोग करते हैं। अब अगर हमारी मोटर अधिक करंट लेगी तो उसके कारण क्या होता है, हमारा लाइनों में काफ़ी वोल्टेज ड्रॉप होता है जिसके कारण हमारी वोल्टेज डिम हो जाती है, और डिम होने से हमारी अदर मशीनें भी क्या होती है, बंद होती है। तो इससे हमारा ब्रेकडाउन काफ़ी बढ़ जाता है, और ब्रेकडाउन से बचने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, स्टार्टरों का प्रयोग करते हैं। अब ब्रेकडाउन होता क्या है, देखिए ब्रेकडाउन ये होता है अगर एक वर्कशॉप में हमारे या किसी प्लांट में कंपनी में बहुत सारे वर्कर मशीनों में काम कर रहे हैं, जैसा कि यहाँ पर दिखा रखा है आपको कि बहुत सारी मशीनें हमारी वर्कशॉप में लगी है यहाँ से इस प्रकार, अगर इसी प्रकार मशीनें सारी चल रही है, अगर हम बिगर स्टार्टर के मशीन को यूज़ करते हैं तो होगा क्या, अगर हम एक मशीन को स्टार्ट करेंगे तो वोल्टेज को क्या करेगा, वो ड्रॉप करेगा, जिसके कारण हमारे अन्य मशीनें वोल्टेज कम होने के कारण क्या हो जाएंगी, ऑफ हो जाएंगी। तो इससे ब्रेकडाउन काफ़ी बढ़ जाता है। इस ब्रेकडाउन से बचने के लिए हम क्या करते हैं, स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। इसमें जो हमारी मोटर स्टार्टिंग में ज़्यादा करंट लेती है उसे हम कम करने की कोशिश करते हैं, और यहाँ पर हमारी आर्मेचर रेजिस्टेंस के कारण ही हमारी जो मोटरें होती है वो अधिक करंट लेती हैं। जो हमारे डीसी मोटरें होती हैं कंपाउंड मोटर या सीरीज या शंट, ठीक है, तो इनमें सब में आर्मेचर वाइंडिंग होती है। अब आर्मेचर वाइंडिंग जो होती है इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत कम होता है। अगर रेजिस्टेंस बहुत कम होगा तो करंट क्या होगा, इसमें बहुत ज़्यादा फ्लो होगा। तो इसी करंट से हम बचाने के लिए क्या प्रयोग करेंगे, यहाँ पर स्टार्टर प्रयोग करेंगे। अब आर्मेचर का रेजिस्टेंस देखो बहुत कम होता है जिसके कारण इसमें करंट क्या होती है, बहुत ज़्यादा मात्रा में फ्लो होती है। तो इस करंट को हमें रोकना होता है, इसके लिए हम क्या बनाते हैं, स्टार्टर बनाते हैं। तो आज हम पहले यहाँ पर 4 पॉइंट स्टार्टर का सर्किट डायग्राम को समझेंगे, फिर इसके हम एक एक पार्ट को खोलेंगे, और फिर दोबारा क्या करेंगे, एक नया स्टार्टर को बना के अपनी कंपाउंड मोटर को चलाएंगे, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, हम अपने कंपाउंड मोटर को यहाँ पर चलाएंगे 4 पॉइंट स्टार्टर की सहायता से। तो ये हमारा 4 पॉइंट स्टार्टर दिखाया गया है। अब यहाँ पर देखो जो हमारी पॉइंटों की संख्या है वो 4 है, एक पॉइंट हमारा ये हो गया, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये। उसी प्रकार इस स्टार्टर में भी देखो हमारे 4 पॉइंट निकले हुए हैं, पहला पॉइंट ये है, उसके बाद ये सेकंड, उसके बाद ये थर्ड और ये फोर्थ। जितने पॉइंट बाहर निकले होते हैं उसे हम उसी प्रकार से उसका नाम रख देते हैं। तो यहाँ पर हमारे 4 पॉइंट निकले हुए हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, पॉइंट स्टार्टर। हाँ, तो इसको 4 पॉइंट स्टार्टर। सबसे पहले हम सर्किट डायग्राम को समझेंगे, तो इस पर हम क्या करते हैं, देखो इस जो पॉजिटिव और नेगेटिव दो इसमें सप्लाई, क्योंकि देखिए डीसी में 2 पॉइंट होते हैं, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है, और इस प्रकार यहाँ पर एमसीबी का प्रयोग किया गया है। डीसी सप्लाई में हमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में ही एमसीबी लगाने की क्या पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है। जबकि हम एसी में क्या करते हैं, केवल फेज वायर में ही एमसीबी का प्रयोग करते हैं, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, देखो पॉजिटिव वायर और नेगेटिव वायर दोनों में ही हम एमसीबी का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हम एमसीबी के इस आउटपुट से कनेक्शन करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक वायर कनेक्ट करेंगे, और इस वायर को हमें कहाँ कनेक्ट करना होता है, ओएलसी के साथ। ओएलसी हमारी कॉयल है, इसका पूरा नाम होता है ओवरलोड कॉयल। ये हमें ओवर करंट से यहाँ पर क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है हमारे मोटर को।
तो इस ओवरलोड रिले में क्या होगा, देखो इसको आप रिले भी बोल सकते हो या फिर इसको ओवरलोड कॉयल भी हम बोल सकते हैं। इसमें इस प्रकार की वाइंडिंग, तो वाइंडिंग करने के लिए यहाँ पर हम कॉपर वायर का यूज़ करते हैं, और ये हमारा इसकी कोर है जिस पर हमने क्या कर रखी है, वाइंडिंग कर रखी है। तो जो हमारा ओएलसी का जो आउटपुट वाला वायर होता है, इसे हम कनेक्ट करते हैं यहाँ पर कनेक्टिंग आर्म के साथ। तो यहाँ पर हमको दो चीज़ दिखा रखी है, ये हमारी कनेक्टिंग आर्म हो गई, ये हमारी स्प्रिंग लगी होती है जिसको हम स्पायरल स्प्रिंग कहते हैं। तो यहाँ पर स्पायरल स्प्रिंग का काम होता है, जो ये कनेक्टिंग आर्म है इसे अपनी पुरानी कंडीशन में वापस लाना, ठीक है। अगर मैं इस कनेक्टिंग आर्म को इस पॉइंट में रख दूँ और सप्लाई हमारी ऑफ हो जाती है, तो उस कंडीशन में इसको वापस लाने का काम कौन करता है, स्पायरल स्प्रिंग। और इस प्रकार इसमें ये हमने स्टड बना रखे हैं, यहाँ पर स्टडों की संख्या हमने 7 ले रखी है, 1 2 3 4 5 6 7, जो हमारे छोटे छोटे टुकड़े टाइप के दिखाई दे रहे हैं, ये हमारे स्टड होते हैं, और इन स्टडों को हम कॉपर का बनाते हैं, ठीक है, यानी कि तांबे का बनाएंगे। तो यहाँ पर देखो ये ऑफ कंडीशन में अभी हमारा सर्किट है। ऑफ कंडीशन में क्या होता है, ये कनेक्टिंग आर्म हमारा पहले वाले स्टड में रहेगा, और यहाँ पर देखो इनका कोई कनेक्शन आगे नहीं है। तो यहाँ पर होता क्या है कि सप्लाई हमारी आगे नहीं बढ़ेगी। फिर यहाँ पर देखिए, उसके बाद ये हमारे सेकेंड नंबर का स्टड है, ये थर्ड स्टड है, ये 4 5 6 और ये 7। तो इस प्रकार इन स्टडों में हम क्या करते हैं, इस प्रकार से रेजिस्टेंसों को एक सीरीज में कनेक्ट करते हैं। देखिए सारे रेजिस्टेंस हमने कैसे कनेक्ट कर दिए इसमें सीरीज में। अब सीरीज में कनेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, पहले वाले रेजिस्टेंस का दूसरा सिरा दूसरे वाले रेजिस्टेंस के पहले सिरे से जोड़ते हैं, इसी प्रकार दूसरे वाले का दूसरा सिरा तीसरे वाले के पहले सिरे के साथ जोड़ते हैं। तो इसी प्रकार हमने सारे रेजिस्टेंस यहाँ पर क्या कर दिए हैं, कनेक्ट कर दिए हैं, कहाँ तक, अपने ऑन वाले स्टड के साथ तक। फिर उसके बाद देखिए, जो हमारा लास्ट वाले स्टड का जो आउटपुट रहेगा, इसे हम कनेक्ट करेंगे आर्मेचर वाइंडिंग के सीरीज में। तो आर्मेचर वाइंडिंग के सीरीज में कनेक्ट करने के बाद, इस सप्लाई को हम यहाँ से नेगेटिव वायर से कनेक्ट कर देंगे। और इस प्रकार देखिए, दो प्रकार की हमारी यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारे दो प्रकार के कंपाउंड मोटर होते हैं, एक होता है शॉर्ट शंट, एक होता है लॉन्ग शंट। तो हमने यहाँ पर ये लॉन्ग शंट कंपाउंड मोटर को बना रखा है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, देखो जो इसकी आर्मेचर वाइंडिंग के सीरीज में ही हम कौन सी वाइंडिंग करते हैं, फील्ड सीरीज वाइंडिंग को। तो आर्मेचर के सीरीज में हमें कौन सी वाइंडिंग जोड़नी होती है, फील्ड सीरीज वाइंडिंग को। और जो हमारी शंट वाइंडिंग होती है, उसके ये दोनों कैसे होते हैं, समांतर क्रम में होते हैं। इस प्रकार से जोड़ने के बाद हम देखेंगे कि लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट मोटर कैसी होती हैं। देखो ये हमारी लॉन्ग शंट डीसी मोटर है, इसमें क्या होता है, जो हमारी सीरीज वाइंडिंग होती है आर्मेचर वाइंडिंग के सीरीज में कनेक्ट की जाती है, और फील्ड वाइंडिंग को हम दोनों के पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, यानी कि समांतर में कनेक्ट करते हैं। अब जो हमारी शॉर्ट शंट होती है, उसमें क्या करना होता है, जो हमारी आर्मेचर वाइंडिंग होती है और फील्ड वाइंडिंग होती है, इन दोनों को एक दूसरे के समांतर कनेक्ट करते हैं। और जो हमारा फील्ड सीरीज वाइंडिंग होती है, इसे हम कनेक्ट करते हैं कैसे, इन दोनों के सीरीज में। तो इसके बाद जो हमारी शॉर्ट शंट डीसी मोटर होती है, यहाँ पर हम आर्मेचर वाइंडिंग को और शंट फील्ड वाइंडिंग को एक दूसरे के पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, और जो हमारी सीरीज वाइंडिंग होती है, उसे इन दोनों के कैसे कनेक्ट करना होता है, सीरीज में। तो इसीलिए इसे हम बोलते हैं शॉर्ट शंट डीसी मोटर। तो यहाँ पर हमने सर्किट डायग्राम में भी लॉन्ग शंट बना रखा है। तो लॉन्ग शंट की कंडीशन में देखिए, ये कहाँ पर रहेगा, यहाँ पर इस कंडीशन में रहेगा आर्मेचर की सीरीज में। अगर इसे हम शॉर्ट शंट मोटर कनेक्ट करेंगे, तो हमारी आर्मेचर वाइंडिंग के बाद जो ये सीरीज फील्ड वाइंडिंग लगी है, इसको हम यहाँ पर कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो हमारी इस पॉइंट पे कौन सा कनेक्शन आ जाएगा, सीरीज फील्ड वाइंडिंग का कनेक्शन आ जाएगा। तो इतना कनेक्शन कंप्लीट होने के बाद हम दूसरा पॉइंट लेते हैं। देखिए स्टैंड नंबर सेकंड से हम एक वायर का लूप निकालते हैं, और इस वायर को इस प्रकार लूपिंग करते हुए सीधे हमें इसे एनवीसी में कनेक्ट करना होता है। एनवीसी के इनपुट में इस वायर को हम कनेक्ट कर देंगे, और जो एनवीसी कॉयल का, देखो एनवीसी का पूरा नाम होता है नो वोल्ट कॉयल। तो एनवीसी का पूरा नाम जैसे कि होता है नो वोल्टेज कॉयल, इसका नाम नो वोल्टेज कॉयल क्यों पड़ा, पहले हम ये देखते हैं। देखो नो वोल्ट कॉयल का मतलब होता है, जब तक इसमें वोल्टेज नहीं होगी तब तक ये कोई कार्य नहीं करेगा, जब इसको हम वोल्टेज देंगे तभी ये क्या करेगा, काम करेगा। तो एनवीसी लगाने का सबसे बड़ा फायदा यहाँ पर यह होता है, तो
जब इस पर सप्लाई चली जाती है तो उस कंडीशन में काम नहीं करेगा, इसीलिए इसका नाम रख दिया गया है नो वोल्टेज कॉइल। अब नो एनवीसी का यह पूरा काम होता है, एनवीसी का यहाँ पर काम क्या होता है, इस कनेक्टिंग आर्म को होल्ड करना। अगर जैसे ही हमारे यहाँ पर वोल्टेज चली जाती है तो ये कनेक्टिंग आर्म को छोड़ देता है, उस कंडीशन में कनेक्टिंग आर्म हमारी ऑफ कंडीशन में चले जाएगा। अगर किसी कारणवश उसके बाद इस मशीन का ऑपरेटर अगर कहीं चले जाता है, सप्लाई उस कंडीशन में आ जाती है, तो हमारी मोटर स्वयं ही चालू नहीं होगी, जिसके कारण फायदा हमें क्या है और नुकसान क्या है। देखिए, फायदा हमें यह है कि हमारी मोटर तब तक चलेगी नहीं जब तक उसको ऑपरेटर दोबारा ऑन नहीं करेगा, और यही हमारा एक मोटर के लिए सबसे बड़ी क्या है, सेफ्टी होती है। क्लियर हो गया? अब देखिए, जो ये हमारा एनवीसी का ये आउटपुट पॉइंट है, इसे हम कनेक्ट करते हैं देखो एक रेजिस्टेंस के द्वारा। तो ये हमने एक रेजिस्टेंस यूज़ किया है, जो रेजिस्टेंस का नाम क्या है, प्रोटेक्टिव रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस क्या करता है, हमारी एनवीसी की सेफ्टी करता है, और ये हमारा 3 पॉइंट स्टार्टर में नहीं पाया जाता है, ठीक है। ये केवल 4 पॉइंट स्टार्टर में ही हम इसको लगाते हैं। और देखिए, इसको लगाते क्यों है हमने 4 पॉइंट स्टार्टर में, और 3 पॉइंट स्टार्टर में हमने ये क्यों नहीं लगाया। जो हमारी 3 पॉइंट स्टार्टर होता है उस पर हमारा ये एनवीसी जो होता है वो इस फील्ड वाइंडिंग के सीरीज में कनेक्टेड होता है, ठीक है। मतलब मेरे कहने का मतलब यहाँ पर ये है, जो ये आउटपुट वायर निकली है 3 पॉइंट स्टार्टर में, उसमें क्या करते हैं, हम इस एनवीसी के इस आउटपुट को सीधे इस फील्ड वाइंडिंग से कनेक्ट करते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है, केवल 3 पॉइंट निकलते हैं, मगर वहाँ पर एक कमी हो जाती है। कमी क्या होती है, जो ये हमारा एनवीसी है, इसका मैग्नेट जो है वो अच्छी प्रकार से बन नहीं पाता है। अगर इसमें मैग्नेट अच्छी प्रकार से नहीं बनेगा तो हमारा एक कनेक्टिंग आर्म को अच्छी प्रकार से होल्ड नहीं कर पाता है, उस कंडीशन में इसको छोड़ देता है, जिससे हमारी मोटर कभी भी क्या होती है, ऑफ हो जाती है। तो उसी की सेफ्टी के लिए हमने यहाँ पर इस वाली एनबीसी को अलग से सप्लाई के समांतर में कनेक्ट कर दिया है, जिसके कारण क्या होगा, इसमें एक प्रॉपर मैग्नेट बनता है, जिससे हमारी मोटर अच्छी प्रकार से कंट्रोलिंग आर्म को होल्ड करे रहता है। अब देखिए, यहाँ पर इस जो हमने इस वायर का लूपिंग कर रखा है, इस वायर को हम कनेक्ट इसलिए करते हैं क्योंकि जो हमारी एनवीसी है, जब ये स्टेट हमारा इस कंडीशन में जाएगा तो उसे यहाँ से सीधे क्या मिल जाता है, पॉजिटिव मिल जाता है, और यहाँ पर से उसको इस रेजिस्टेंस के द्वारा नेगेटिव सीधे मिलता है। इस प्रकार हमारा जो एनवीसी है वो सप्लाई के सीधे पैलर में आता है, और सीधे पैलर में आने के कारण इसमें अच्छा मैग्नेट बनता है। अब इस एनवीसी के इस पॉइंट से हम कनेक्ट करेंगे इसकी फील्ड वाइंडिंग को। तो फील्ड वाइंडिंग कनेक्ट करने के लिए एनवीसी के इनपुट से ही हम एक पॉइंट को उठाते हैं, और इस वायर को हम अपने शंट फील्ड वाइंडिंग के इनपुट से कनेक्ट करते हैं, और इस शंट फील्ड वाइंडिंग का जो आउटपुट कनेक्शन होगा उसे हम कहाँ करते हैं, नेगेटिव सप्लाई के साथ। और यहाँ पर इन तीनों को हमने क्या कर रखा है, लूपिंग कर रखी है नेगेटिव वायर की। अब देखेंगे हम हमारा यह ओएलसी यानी कि ओवरलोड कॉयल किस प्रकार काम करती है। तो इस कंडीशन में होता क्या है, देखो जो हमारी एनवीसी होती है इसे शॉर्ट करते हैं ये वाले पॉइंट। तो इस पॉइंट में क्या होगा, जब इसमें चुंबक बनेगा ज़्यादा यानी कि करंट, जब हमारे ओएलसी कॉइल में अधिक मात्रा में करंट फ्लो करती है तो इसका मैग्नेट शक्तिशाली बनता है, और वो इस स्टेट को क्या करेगा, अपनी ओर खींचता है, जिस कारण देखिए यहाँ पर ये पॉइंट हमारा इन दोनों वायर को आपस में शॉर्ट कर देगा, और ये वायर हमारा है, देखो एक एनवीसी का आउटपुट से लिया गया है और एक एनवीसी के इनपुट से लिया गया है। तो इस प्रकार ये एनवीसी के इनपुट और आउटपुट वायर को आपस में क्या कर देगा, शॉर्ट कर देगा। देखिए, ऊपर से इस वायर को क्या मिल रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है, जो इस प्रकार से यहाँ से सप्लाई इसको मिलती है, और नीचे से इसको क्या मिल रहा है, देखो यहाँ से इस वाले पॉइंट से इसको मिलता है, यहाँ पर नेगेटिव मिलता है। हमने क्या कर रखा है, इस एनवीसी के नेगेटिव पॉइंट और पॉजिटिव पॉइंट को ये वाला स्टेट हमारा इसको ऊपर करने पर क्या कर देगा, दोनों को शॉर्ट कर देगा। उस कंडीशन में क्या होता है, जो हमारे एनवीसी का चुंबक है, मैग्नेट है, वो खत्म हो जाता है, और हमारी कंट्रोलिंग आर्म को छोड़ देता है, इस कनेक्टिंग आर्म को। उससे क्या होगा, हमारी मोटर जलने से क्या होती है, बच जाती है ओवरलोड करंट की कंडीशन में। तो इसके हम आप क्या करेंगे, इस स्टार्टर को खोलते हैं और एक एक करके चेक करेंगे कि हमने स्टार्टर क्यों लगाया है। अब देखिए, स्टार्टर लगाने का सबसे ज्यादा फायदा क्या होता है, हमें अपने जो आर्मेचर वाइंडिंग होती है इसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, जिसके कारण हमारे डीसी मोटरें बहुत ज़्यादा करंट लेती है स्टार्टिंग में। तो
तो आर्मेचर के रेजिस्टेंस को बढ़ाकर हम इसके स्टार्टिंग करंट को कम करते हैं। तो यहाँ पर हमारा मेन उद्देश्य क्या होता है, डीसी मोटर के आर्मेचर की करंट को कम करना। आर्मेचर हमारा स्टार्टिंग में ज़्यादा करंट ले रहा था, कितना करंट लेता है, लगभग 3 से 5 गुना करंट लेता है अपने फुल लोड करंट का। इस करंट से बचने के लिए हमने यहाँ पर आर्मेचर के सीरीज में देखिए इस प्रकार हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंस का प्रयोग करते हैं, जिससे हमारा आर्मेचर क्या होगा, करंट कम लेगा और हमारी स्टार्टिंग करंट क्या होगी, बच जाती है। अब इसकी हम एक बार ऑपरेटिंग कंडीशन देखेंगे, जिस कंडीशन में ये कार्य करता है। तो उस कंडीशन में देखो क्या हो रहा है, यहाँ से हमारी पॉजिटिव वायर की सप्लाई इस एमसीबी को ऑन करने के बाद कहाँ चली जाती है, इस वायर में चली जाती है, जो इस प्रकार होते हुए इस ओवरलोड कॉयल के बाद यहाँ पहुँचती है, और इस कॉयल के बाद ये ऑफ कंडीशन में होता है। अब जब इसे हम स्टार्ट करते हैं तो अपने कनेक्टिंग आर्म को हम स्टार्ट नंबर सेकंड के साथ कनेक्ट करते हैं। अब देखिए उस कंडीशन में क्या होता है, यहाँ पर से हमारा सीधे सप्लाई कहाँ पहुँच जाती है, एनवीसी में, और यहाँ से इसे क्या मिल रहा होता है, देखो नीचे से नेगेटिव मिल रहा होता है। उस कंडीशन में हमारी एनवीसी में पूरा मैग्नेट बन के तैयार हो जाता है। अब उसके बाद कनेक्टिंग आर्म को इस पॉइंट पर होने के बाद हमारी सप्लाई एक इस रेजिस्टेंस से होते हुए, फिर इसके बाद इसमें होते हुए, इस प्रकार इन रेजिस्टेंसों में होते हुए कहाँ पहुँचती है, वो हमारे आर्मेचर वाइंडिंग में। अब देखिए अगर करंट इतने रेजिस्टेंस से होके गुजरेगी तो करंट हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ पहुँचने तक कम हो जाएगी। देखिए जब हमारा ये कनेक्टिंग आर्म सेकंड पोजीशन में रहेगा, स्टार्ट नंबर सेकंड में, तो इस प्रकार करंट फ्लो होते हुए आएगी हमारी कहाँ पर, आर्मेचर वाइंडिंग में। तो आर्मेचर वाइंडिंग के में रेजिस्टेंस ऐड करने से इसकी करंट कम हो जाती है, जिसके कारण हम स्टार्टिंग करंट से क्या हो सकते हैं, बच सकते हैं। अब देखिए जब हमारे कनेक्टिंग आर्म को घुमा के हम कहाँ लाते हैं, 7 नंबर के स्टड में, तो उस कंडीशन में ये हमारा कनेक्टिंग आर्म इन पॉइंटों में क्या होता है, चिपक जाता है, और हमारी मोटर उस कंडीशन में 75% स्पीड भी पकड़ लेती है। तो 75% स्पीड पकड़ने के बाद हमारी मोटर फिर कम करंट लेती है, और जिस कंडीशन में क्या होता है, हमारी मोटर अच्छी प्रकार से रन करता है। अब देखिए हम यहाँ पर सेकंड कंडीशन देख रहे हैं। पहले कंडीशन में हमने क्या किया, आर्मेचर के सीरीज में हमने रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिए हैं, जिसके कारण इसकी करंट कम हो चुकी है। अब दूसरी कंडीशन देखते हैं कि हमारी मोटर 75% स्पीड पकड़ने के बाद करंट कम क्यों ले रही है। तो सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ पर यही बनता है कि जब हमारी मोटर 75% स्पीड पकड़ लेती है तो इसकी करंट आखिर कम कैसे हो जाती है। तो इसको समझने के लिए हम देखते हैं इस फॉर्मूले को। देखो डीसी मोटर में ये फॉर्मूला होता है, बैक ईएमएफ बराबर Z∅N अपॉन 60 और इंटू पी अपॉन ए। देखो स्टार्टिंग में हमारी मोटर की स्पीड क्या होती है, 0 होती है, जिस कंडीशन में हमारा बैक ईएमएफ भी क्या होता है, 0 होता है। अगर हमारा बैक ईएमएफ 0 होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमारी मोटर बहुत अधिक मात्रा में करंट लेगी, और उस करंट को बचने के लिए हमने फिर क्या किया, देखो इस प्रकार रेजिस्टेंस ऐड किए हैं, और जब तक ये रेजिस्टेंस में हमारा ये कनेक्टिंग आर्म यहाँ तक पहुँचता है, उस कंडीशन में हमारी मोटर की कितनी स्पीड कितनी हो जाती है, फुल लोड स्पीड का 75% पकड़ लेता है। और 75% जब स्पीड हमारी मोटर पकड़ लेती है, उस कंडीशन में हमारा क्या होता है, बैक ईएमएफ भी क्या हो जाता है, बन के तैयार हो जाता है, और हमारी मोटर की करंट क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो दोनों कंडीशन में हमको यहाँ पर क्या मिलता है, फायदा मिलता है सर, जिसके कारण हमारी डीसी मोटर क्या करती है, स्टार्टिंग में बहुत कम करंट लेती है, और इन स्टार्टरों की सहायता से हम इसको क्या कर सकते हैं, चला सकते हैं, और इसकी स्टार्टिंग करंट को कम कर सकते हैं स्टार्टर की मदद से। अब हम इस स्टार्टर को खोलेंगे यहाँ पर, और फिर इसके क्या करेंगे, कनेक्शन करेंगे। कनेक्शन करने के बाद हम डीसी यहाँ पर शंट मोटर और कंपाउंड मोटर को इस स्टार्टर की सहायता से क्या कराएंगे, रन कराएंगे। देखिए सबसे पहले इस स्टार्टर को खोलने के लिए हमें इसके बाहर के ढक्कन को खोलना होता है। खोलिए इसको। इसे खोलने के बाद हमें इस प्रकार का ये दिखाया गया है, देखिए ये हमारा कनेक्टिंग आर्म का स्टड है, जिसको हम क्या करते हैं, इसको खोलने के बाद देखिए हम इसको देखते हैं, तो ये हमारा क्या है, कनेक्टिंग आर्म है, ये हमारी एनवीसी है, और ये हमारे क्या लगे हुए हैं, इसमें स्टड लगे हुए हैं। अब इसके इन बोल्ट को भी हमने खोल दिया है, अब इसे हम क्या करेंगे, ऊपर निकालेंगे। इस प्रकार इसके वायर को अंदर करने के बाद हम अपने पूरे स्टार्टर को क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं।
बाहर निकालने के बाद हमें कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है, और इसकी बैक साइड को भी हम क्या करेंगे, देखेंगे। ये इसकी बैक साइड की पोजीशन है, और इसके अंदर देखिए इस साइड से इसमें रेजिस्टेंस ऐड किए गए हैं। तो हम इसको सारा पहले खोलेंगे, फिर उसके एक एक करके कनेक्शन करके दिखाएंगे सर्किट डायग्राम के अनुसार। तो इस प्रकार इसको ये सारा खोल रहे हैं, तो इस प्रकार ही खोल चुके हैं, इसको बाहर निकालिए। ठीक है, अब इस प्रकार हम इसके सारे पार्ट को खोल चुके हैं, एक एक पार्ट करके इसको हम देखेंगे कि कौन सा पार्ट हमने कहाँ से इसका ओपन किया है। तो सबसे पहले देखो, इसमें ये डबल पोल की एमसीबी लगा रखी है, इसको हम नेगेटिव और पॉजिटिव सप्लाई देते हैं। उसके बाद हमारी पॉजिटिव का जो कनेक्टिंग वायर है, इस प्रकार ये ओवल ओएलसी में डाल जाएगा। अब देखिए ये हमारा कनेक्टिंग आर्म हमने दिखा रखा है, एक बार दिखाइए कनेक्टिंग आर्म को। देखो ये कनेक्टिंग आर्म है, ठीक है, इस प्रकार से। अब इसको यहाँ पर रखने के बाद ये इसकी बैक साइड में जो दिखा रखा है वो स्प्रिंग है, जो स्प्रिंग इसको पुरानी कंडीशन में जाने में क्या करता है, सहायता करता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये स्टड बनाने के लिए हमने यहाँ पर ये पीतल के बोर्ड ले रखे हैं, नट बोर्ड जो है हमारे किसके हैं, पीतल के हैं। और जो पहला वाला बोर्ड ले रखा है ये सिंपल ले लिया है, क्योंकि इस कंडीशन में हमारी मोटर क्या रहती है, ऑफ रहती है। उसके बाद देखिए जो यहाँ पर ये रेजिस्टेंस दिखाए गए हैं, वहाँ पर हमने इस प्रकार के देखो नाइक्रोम की एक पूरी लीड ले चुके हैं, और इनको हम अभी कनेक्ट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो आता है एनवीसी, एनवीसी बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक नट और बोर्ड ले रखा है, और इस नट बोर्ड में इस प्रकार का हमने ये बोबिन टाइप का बना दिया है, और इसमें हमने क्या कर दी है, वाइंडिंग कर दी है, और इसमें कॉपर की हमने वाइंडिंग करी है, जिससे हमारा क्या बन गया है, एनवीसी तैयार हो चुका है। इसे हम सप्लाई देंगे तो इसमें क्या बनेगा, मैग्नेट बनेगा, जो मैग्नेट में हमारा ये वाला बोल्ट इस कनेक्टिंग आर्म को होल्ड करने में क्या करेगा, सहायता करेगा। इस प्रकार से इसमें क्या होगा, वो चिपक जाएगा। और इसी में हमने इसके अंदर एक एडिशनल क्या होता है, रेजिस्टेंस भी हमने जोड़ दिया है, जिसकी सहायता से हम क्या करेंगे, अपने एनवीसी कॉइल को क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। देखिए हमने एक इस प्रकार से एक एनवीसी तैयार कर रखी है, वाइंडिंग करके एक बोल्ट ले रखा हमने, नट और बोल्ट, इसके बीच में एक बोबिन तैयार कर रखा है, और बोबिन के ऊपर हमने क्या कर दी है, वाइंडिंग कर दी है। इस वाइंडिंग के दो सिरे बाहर निकलते हैं, और इसी में जो हमने एडिशनल रेजिस्टेंस है हमारा ये प्रोटेक्टिव रेजिस्टेंस, उसे भी हमने क्या कर दिया है, इसी में वाइंड कर दिया है, और बाहर से इस प्रकार का इसमें एक टेप लगा दिया है। अब हम इसके कनेक्शनों को चेक करेंगे, और देखिए कनेक्शन लगाने के लिए सबसे पहले हमें इस प्रकार का ये बोर्ड चाहिए होता है, ये बोर्ड किसी मेटल का नहीं होना चाहिए, जिस पर हम क्या करते हैं, इसकी वायरिंग करते हैं, और हमारा ये रेजिस्टेंस लगाने के लिए प्रयोग करेंगे इस प्रकार के। तो हमने यहाँ पर रेजिस्टेंस को ऐड करने के लिए यहाँ पर एक माइका सीट ली है, और माइका सीट में इस प्रकार से हमने नट और बोल्ट लगा रखे हैं, जिनमें हम क्या करेंगे, इन रेजिस्टेंस को ऐड करेंगे। और ऊपर से स्टड को चलाने के लिए इस प्रकार की एक माइका सीट ले रखी है। तो सारे हम इसको कनेक्शन करते हैं, उसके बाद हम अपने शंट मोटर और कंपाउंड मोटर को यहाँ पर चला के चेक करेंगे। तो इस प्रकार हम इसमें इस माइका सीट में रेजिस्टेंस को ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम इस प्रकार लगा रहे हैं इसका पहला सिरा, और इसे नट और बोल्ट की सहायता से इसमें क्या कर देंगे, हम टाइट कर देंगे। अब इसको आगे कनेक्ट करिए। तो इस प्रकार ये सारे इनको कनेक्ट कर चुके हैं। देखो रेजिस्टेंस कनेक्ट करने में क्या सावधानी देनी है, से यहाँ पर से इन्होंने इस रेजिस्टेंस का पहला पॉइंट ले रखा है, और उसी कॉइल को यहाँ घुमा दिया है। उसके बाद देखो इसको इस पॉइंट में घुमाया है, उसके बाद ये यहाँ पर घुमाते हुए इसका दूसरा सिरा ऐसे करके इस प्रकार घुमाते हुए यहाँ पहुँचे हैं। अब इसके लास्ट में कितने सिरे हो गए, दो सिरे, ये इसका पहला सिरा है, और ये इसका लास्ट वाला एंड सिरा है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस हमारे ऐड हो चुके हैं, अब आगे की प्रोसेस को हम इसमें चेक करेंगे। अब हम इसके सारे स्टड को कनेक्ट करेंगे। ये जो हमारी दूसरी माइका सीट है, इसमें हम सारे स्टडों के लिए इन नट बोल्टों को क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। इस प्रकार इसके स्टड तैयार कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने 7 स्टड बना रखे हैं, पहला कनेक्ट कर चुके हैं, ये दूसरा कनेक्ट कर रहे हैं। तो इस प्रकार ये सारे स्टडों को कनेक्ट कर चुके हैं। ये देखिए इसका बैक साइड में इस प्रकार नट लगा रखे हैं, और फ्रंट में दिखाइए इसका, और ये बोल्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर ही हमारे पीतल के हो गए हैं बोर्ड, और पहला वाला हमने यहाँ पर सिंपल वाला यूज़ किया है। अब इसमें हम एनवीसी कॉइल को यहाँ पर ऐड करेंगे। तो ये हमारी एनवीसी कॉइल है, इसे हम बोर्ड में ऐड करेंगे। तो इस प्रकार यहाँ पर ये एनवीसी लगा चुके हैं, और इसके दोनों वायर को बैक साइड में उन्होंने कर दिया है। तो यहाँ पर एनवीसी के दो वायर यहाँ पर
बाहर दिख रहे हैं। इसी एनवीसी के अंदर हमारी एक इसमें प्रोटेक्टिव रेजिस्टेंस भी हमने इसी के सीरीज में कनेक्ट कर दिया है। तो यहाँ पर एक कनेक्टिंग आर्म को इसके कनेक्ट कर रहे हैं। इसको जरा देखो, ये कनेक्टिंग आर्म कनेक्ट हो चुका है। अब इसके ऊपर के नट को टाइट कर देंगे। नट टाइट कर रहे हैं, देखिए। तो इसको यहाँ पर एक कनेक्टिंग आर्म को कनेक्ट कर चुके हैं। देखो ये इस प्रकार इसको छोड़ने पर क्या होगा, ये अपनी पुरानी कंडीशन में आ जाएगा। वो यहाँ पर एक स्पायरल स्प्रिंग लगा है इसके कारण। डायग्राम में इस प्रकार दिखा रखी है स्पायरल स्प्रिंग, और ये हमारी कनेक्टिंग आर्म है। और यहाँ पर ये एनवीसी इसको क्या करेगा, होल्ड करेगा। तो इस प्रकार ये बैक साइड में एनवीसी की दो वायर हो गए हैं। अब इनके हम कनेक्शन करेंगे। तो सबसे पहले इस वायर को हम कनेक्ट करेंगे अपने कनेक्टिंग आर्म के साथ। अभी एमसीबी के आउटपुट से एक वायर कनेक्ट कर रहे हैं, अभी इस पॉइंट पे काम कर रहे हैं। यहाँ पर एमसीबी की वायर कनेक्ट करने के बाद हमें ये वायर कनेक्ट करनी होती है। तो अभी हमारे पास इस वाले स्टार्टर में ओवरलोड कॉइल थी नहीं, तो इस वायर को हम सीधे कनेक्ट करते हैं अपने यहाँ पर कनेक्टिंग आर्म के साथ। इस प्रकार देखिए एमसीबी के निकलने वाली वायर को एक कनेक्टिंग आर्म के साथ कनेक्ट। यहाँ पर हम इन रेजिस्टेंसों को क्या करेंगे, एक बोर्ड में ऐड कर लेते हैं। और ऐड कैसे करते हैं ये देखते हैं हम पहले। तो इस प्रकार हम इसमें इस माइका सीट में रेजिस्टेंसों को ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम इस प्रकार लगा रहे हैं इसका पहला सिरा, और इसे नट और बोल्ट की सहायता से इसमें क्या कर देंगे, हम टाइट कर देंगे। अब इसको आगे कनेक्ट करिए। तो इस प्रकार ये सारे इनको कनेक्ट कर चुके हैं। देखो रेजिस्टेंस कनेक्ट करने में क्या सावधानी देनी है। तो यहाँ पर से इन्होंने इस रेजिस्टेंस का पहला पॉइंट ले रखा है, और उसी कॉयल को यहाँ घुमा दिया है। उसके बाद देखो इसको इस पॉइंट में घुमाया है। उसके बाद ये यहाँ पर घुमाते हुए इसका दूसरा सिरा ऐसे करके इस प्रकार घुमाते हुए यहाँ पहुँचे हैं। अब इसके लास्ट में कितने सिरे हो गए, दो सिरे। ये इसका पहला सिरा है और ये इसका लास्ट वाला एंड सिरा है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस हमारे ऐड हो चुके हैं। अब आगे की प्रोसेस को हम इसमें चेक करेंगे। अब हम इसके सारे स्टेटर को कनेक्ट करेंगे। ये जो हमारी दूसरी माइका सीट है, इसमें हम सारे स्टेटर के लिए इन नट बोल्ट को क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। इस प्रकार इसके स्टेट तैयार कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने 7 स्टेट बना रखे हैं। पहला कनेक्ट कर चुके हैं, ये दूसरा कनेक्ट कर रहे हैं। तो इस प्रकार ये सारे स्टड को कनेक्ट कर चुके हैं। ये देखिए इसका बैक साइड में इस प्रकार नेट लगा रखे हैं, और फ्रंट में दिखाइए इसका, और ये बोल्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारे पीतल के हो गए हैं बोर्ड, और पहला वाला हमने यहाँ पर सिंपल वाला यूज किया है। अब इसमें हम एनवीसी कॉयल को यहाँ पर ऐड करेंगे। तो ये हमारी एनवीसी कॉयल है, इसे हम बोर्ड में ऐड करेंगे। तो इस प्रकार यहाँ पर ये एनवीसी लगा चुके हैं, और इसके दोनों वायर को बैक साइड में उन्होंने कर दिया है। तो यहाँ पर एनवीसी के दो वायर यहाँ पर बाहर दिख रहे हैं। इसी एनवीसी के अंदर हमारी एक इसमें प्रोटेक्टिव रेजिस्टेंस भी हमने इसी के सीरीज में कनेक्ट कर दिया है। तो यहाँ पर एक कनेक्टिंग आर्म को इसके कनेक्ट कर रहे हैं। इसको जरा देखो, ये कनेक्टिंग आर्म कनेक्ट हो चुका है। अब इसके ऊपर के नट को टाइट कर देंगे। नट टाइट कर रहे हैं, देखिए। इस प्रकार इसको छोड़ने पर क्या होगा, ये अपनी पुरानी कंडीशन में आ जाएगा। वो यहाँ पर एक स्पायरल स्प्रिंग लगा है इसके कारण। डायग्राम में इस प्रकार दिखा रखी है स्पायरल स्प्रिंग, और ये हमारी कनेक्टिंग आर्म है। और यहाँ पर ये एनवीसी इसको क्या करेगा, होल्ड करेगा। तो इस प्रकार ये बैक साइड में एनवीसी के दो वायर हो गए हैं। अब इनके हम कनेक्शन करेंगे। देखिए सबसे पहले इस एमसीबी के हम आउटपुट से सप्लाई लेते हुए इस प्रकार आगे बढ़ते हैं। और तो सबसे पहले इस वायर को हम कनेक्ट करेंगे अपने कनेक्टिंग आर्म के साथ। अभी एमसीबी के आउटपुट से एक वायर कनेक्ट कर रहे हैं, अभी इस पॉइंट पर काम कर रहे हैं। यहाँ पर एमसीबी की वायर कनेक्ट करने के बाद हमें ये वायर कनेक्ट करनी होती है ओएलसी। तो अभी हमारे पास इस वाले स्टार्टर में ओवरलोड कॉइल थी नहीं, तो इस वायर को हम सीधे कनेक्ट करते हैं अपने यहाँ पर कनेक्टिंग आर्म के साथ। इस प्रकार देखिए एमसीबी के निकलने वाली वायर को एक कनेक्टिंग आर्म के साथ कनेक्ट कर चुके हैं। तो स्टर नंबर सेकंड में यहाँ ये इस प्रकार से दो वायर कनेक्ट कर चुके हैं। जो हमें यहाँ पर ये दो वायर कनेक्ट करने हैं, एक हमारा रेजिस्टेंस की तरफ जाएगा और दूसरा हमारा यहाँ पर बाईपास के लिए जाएगा। तो ये हमारा देखिए रेजिस्टेंस का फर्स्ट पॉइंट है। यहाँ पर हम इनमें से दो वायरों में से एक वायर को यहाँ पर कनेक्ट कर लेते हैं इसके बैक साइड में इस वाले पॉइंट पर। तो कनेक्ट करिए इसको। देखो यहाँ पर से हमने इस फर्स्ट वाले रेजिस्टेंस को सप्लाई दे दी है इस वायर को कनेक्ट करके।
ये पहले वाले पॉइंट के साथ कनेक्ट कर दिया इन्होंने रेजिस्टेंस के लिए। सेकेंड स्टेट में हमने दो वायर कनेक्ट कर चुके हैं। अब जो इसका ये वायर आउटपुट है रेजिस्टेंस से हम कनेक्ट कर दिया है। रेजिस्टेंस से कनेक्ट करने के बाद जो इसका आउटपुट होगा रेजिस्टेंस का, वो स्टेट नंबर तीसरे के साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो ये वाला वायर जो है हमारा इस रेजिस्टेंस का आउटपुट वायर है, इसको हम थर्ड नंबर के स्टेट के साथ कनेक्ट करेंगे। यहाँ पर थर्ड नंबर के स्टेट के साथ इसको कनेक्ट कर रहे हैं, ये तीसरे नंबर के स्टेट के साथ इसको कनेक्ट कर रहे हैं। अब देखिए इस प्रकार इस तीसरे वाले स्टेट में हमने यहाँ पर वायर कनेक्ट कर दिया है। जो इसका ये रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस का आउटपुट वायर हमारा स्टेट नंबर फोर के साथ कनेक्ट करेंगे। तो ये स्टेट हमारा फर्स्ट था, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। अब इसके आउटपुट यहाँ से लिया है हमने, देखो इस साइड में, इसके बैक साइड में जो है इसके इस प्रकार रेजिस्टेंस ऐड है और इसके आउटपुट को हम कनेक्ट कर रहे हैं स्टेट नंबर फोर के साथ। तो इस प्रकार हम सारे रेजिस्टेंस को इस सेवन नंबर तक ऐड कर देंगे। अब इस लास्ट वाले रेजिस्टेंस में वायर कनेक्ट करेंगे। जो ये लास्ट वाला वायर हमारे कहाँ पहुँच जाएगा, आर्मेचर वाइंडिंग के सीरीज में। अब जो हमने सेकंड स्टार्ट से एक वायर का लूप निकाला था बड़ा हुआ, ये बड़ी वायर को हम कनेक्ट करेंगे एनवीसी के इनपुट से। तो ये स्टार्ट नंबर सेकंड का ये वायर निकला हुआ है, ये हमारी एनवीसी के दो वायर हैं, इसको हम एक के साथ कनेक्ट कर देते हैं। किसी में भी आप कनेक्ट कर सकते हो इसको इनपुट में। तो इस प्रकार ये एनवीसी का एक वायर कनेक्ट हो चुका है इनपुट से। अब इसका जो दूसरा वायर है एनवीसी का, इसको हम आउटपुट के लिए बाहर निकाल लेंगे। तो अभी इस पॉइंट पर वायरिंग हो रही है, एनवीसी के इस सेकेंड पॉइंट को हम बाहर निकाल देंगे, जहाँ से हम इसको नेगेटिव सप्लाई देंगे। और इसी एनवीसी के अंदर हमने ये प्रोटेक्टिव रेजिस्टेंस को भी क्या कर रखा है, वाइंड कर दिया हुआ है। अब हम इस एनवीसी के पॉइंट को स्टार्टर से बाहर निकाल लेते हैं। तो एनवीसी के आउटपुट को सेकेंड नंबर पॉइंट से यहाँ बाहर निकाल रहे हैं। तो फर्स्ट नंबर हमारा बाहर निकलेगा वो हमारा ये वाला होगा, जो कनेक्टिंग आर्म हमने कनेक्ट कर रखा है। ये कनेक्टिंग आर्म वाले वायर को भी फर्स्ट वाले होल से क्या करेंगे, हम बाहर निकाल देंगे। तो इस प्रकार हमारे दो वायर बाहर आ चुके हैं। अब देखिए जो हमारा स्टैंड नंबर सेवन का लास्ट वाला वायर था, उसको हम आर्मेचर और सीरीज वाइंडिंग में कनेक्ट करने के लिए बाहर निकाल देंगे अपने स्टार्टर से। तो ये हमारा लास्ट वाला पॉइंट होता है रेजिस्टेंसों का, इसे हम बाहर निकाल देंगे यहाँ पर फोर्थ वाले पॉइंट से। तो ये भी बाहर निकल चुका है। तो इस प्रकार हमारे तीन पॉइंट बाहर आ चुके हैं। अब हमें यहाँ पर से एक चौथा पॉइंट लेना है, जो हम एनवीसी के क्या करेंगे, इनपुट से ले लेंगे। तो ये एनवीसी के इनपुट में एक वायर और कनेक्ट करेंगे। तो ये एनवीसी के इनपुट में एक वायर और कनेक्ट करेंगे, जिसको आउटपुट ले लेंगे हम फील्ड वाइंडिंग के लिए। इस प्रकार ये कनेक्ट कर रहे हैं देखिए, और यहाँ पर हमें बढ़िया से टेपिंग करनी होती है। और इस वायर को भी हम अपने स्टार्टर से बाहर निकाल देंगे। तो इस प्रकार हमारे स्टार्टर के ये चार पॉइंट बाहर निकल चुके हैं। अब इनमें हम कनेक्शन करेंगे मोटर के साथ। तो इस प्रकार ये चार पॉइंट निकल चुके हैं, देखो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। एक बार इसके बैक साइड के कनेक्शन को भी देख लो आप। तो इस प्रकार ये पूरे कनेक्शन हो चुके हैं। अब हम इसके बॉक्स में इसको फिट कर देंगे। बॉक्स में इसको फिट करिए, इस प्रकार इसके बॉक्स की इसकी सेटिंग करेंगे। और इन कनेक्टिंग वायरों को हम, अब इस कनेक्टिंग वायरों को हम एक एक करके बाहर निकाल लेते हैं। सेकेंड, ये थर्ड निकाल दिया इन्होंने, और इस प्रकार ये फर्स्ट वाला, या इसको हम फोर्थ भी बोल सकते हैं, इस साइड से उस साइड से फर्स्ट बोलेंगे। तो इस प्रकार हमारा ये स्टार्टर बन के तैयार हो चुका है, इसके कनेक्शन करेंगे। अब स्टार्ट इसका, अब इस प्रकार ये बन के तैयार हो चुका है। इसके ऊपर वाले कवर को भी हम लगा देंगे। पहले इन बोल्ट को हमें टाइट करना होता है, तो इसके कवर को ऊपर से लगाइए। तो इस प्रकार से कवर को इन्होंने लगा दिया है, और इसके साइडों के बोर्डों को हम स्क्रू, इसके साइड के हम टाइट कर लेंगे। तो इसके साइड के स्क्रू को भी हम टाइट कर लेते हैं। तो इस प्रकार हमने स्टार्टर यहाँ पर लगा दिया है। और स्टार्टर लगाने के लिए आपको, इसके कनेक्शन सीखने के लिए आपको जो डीसी मोटर होती है, इसके टर्मिनलों की पहचान करना है। और पहचान करने के बाद हमको कनेक्ट करेंगे। अब इसको हम एक बार चला के देखेंगे, ऑन करो। मेन सप्लाई ऑन करने के बाद अब स्टार्टर को हम धीरे धीरे ऑन करेंगे। देखो किस प्रकार हमको स्टार्ट को धीरे धीरे यहाँ पर आगे की ओर बढ़ाना होता है, कनेक्टिंग आर्म को। और हमारी मोटर देखो इस प्रकार ये चलने लग गई है। और यहाँ पर देखिए ये हमारा होल्ड हो चुका है यहाँ पर एनवीसी कॉइल के द्वारा। इसको इस प्रकार हमारा ये कनेक्टिंग आर्म होल्ड हो चुका है और एनवीसी कॉइल के द्वारा इसको होल्ड किया है। जैसे ही हमारी सप्लाई कट होगी,
तो ये क्या होगा, अपने आप इस रेक्टिक आर्म को छोड़ देगा। देखिए ये इस प्रकार चल रही है, अब जैसी हमारी सप्लाई जाएगी तो ये हमारा रेक्टिक आर्म देखो अपनी पुरानी पोजीशन में वापस आ चुका है। तो इसी प्रकार आज हमने फोर पॉइंट स्टार्टर बनाना सीखा है यहाँ पर, और इसको हमने डीसी कंपाउंड मोटर को इसके द्वारा चला के देखा है। थैंक यू।